अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बॉय का। मैंने सबसे पहले इसको आउटलाइनिंग इसकी ड्रॉ की है, इसकी मेजरमेंट्स लेकर, और फ़ोटो को बेटर है कि आप लोग भी लैपटॉप में अलग से ओपन करके रखें और वहाँ से आप उसकी आउटर लेयर्स को अच्छे से मेजरमेंट्स के साथ, एक स्केल के साथ मेजरमेंट करके उसकी पूरी फेस की मेजरमेंट से उसको ड्रॉ कर लें एंड उसके बाद आप उसकी शेडिंग स्टार्ट करें। सो अभी मैं हेयर पे फोकस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि हमने हेयर पर ही फोकस किया है। मैंने फुल स्केच बनाया है मगर मैं वीडियो में जस्ट आपको हेयर एंड टॉप ऑफ द नोज़, लाइक आइज़ एंड द नोज़, इन दो चीज़ों पे फोकस किया है। बट आई एम श्योर के नेक्स्ट वीडियोज़ में आप फुल फेस का स्केच देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हुआ करेगी, सो मैं ये सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन एपिसोड्स हुआ करेंगी। सो आज के स्केच को मैंने जस्ट एक एपिसोड में ख़त्म कर दिया है बिकॉज हेयर्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो हेयर का वीडियो मैंने आज क्लिक किया है एंड सो एज़ यू कैन सी के हेयर बनाने में बहुत मज़ा आता है। लाइक फ्लो में आप पेंसिल बस फ्लो में चलती है एंड आपको रियल फ़ोटो में से देखना होता है कि कौन सी साइड से कैसे फ्लो जा रहा है एंड उसी फ्लो में आप पेंसिल को चलाते जाते हैं एंड इस तरीके से आप लाइटर शेड डार्कर शेड दोनों को इजीली यूज़ करेंगे ताकि एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आए एंड एक स्केच में रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी होता है एज़ यू नो। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है एंड एज़ यू नो के मेरा भी बिगनिंग है अभी। सो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, बिगनर्स इसको देखें एंड आप बना सकते हैं इसको। सो फर्स्टली द थिंग इज़ के अगर आप फेस के मेजरमेंट्स अच्छे तरीके से लेते हैं ना तो नेक्स्ट आपको शेडिंग्स में बहुत इजीली आप शेडिंग्स पे फोकस करते हैं। When your measurements are correct, then आपको उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती कि आप देखेंगे कि फीचर्स ठीक से नज़र आ रहे हैं, आई ठीक जगह बनी है। आप उस पर फोकस मत करें, देन फिर आप फोकस करें शेडिंग पे। उसके बाद ज़रूरत नहीं होती मेजरमेंट में। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट्स लग सकते हैं एंड जैसे आपकी फ़ोटो जितनी बड़े पेज पे होगी, जितने बड़े साइज की होगी, उस हिसाब से आपको मेजरमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर जैसे जैसे आपको तरीका आ जाता है सो आप फास्टली काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डार्कर शेड एंड लाइटर शेड दोनों तरीके यूज़ कर रही हूँ मैं। पेंसिल को इस तरह फ्लो में चलाना है कि डार्क, जहाँ पे आप डार्क देख रहे हैं वहाँ पे डार्क आए। फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ डार्कर शेड है मैंने वहाँ डार्क शेड दिया है। लाइक फ्रंट आई जो है वहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड दिया है, ऊपर थोड़ा लाइट शेड दिया है एंड फिर उसके बाद डार्क शेड दिया है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। जस्ट ऐसे कि वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलिएगा एंड क्योंकि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे मेरी एंड आप इंजॉय कर सकें एंड आई एम श्योर कि आप मेरी वीडियोस को इंजॉय करते होंगे। सो रेडी हो गया ये, हेयर आर रेडी। तो आईब्रो पे मैंने लाइटर शेड यूज़ किया पेंसिल का
फर्स्टली आप लाइट यूज करेंगे, देन आप डार्क पे आएंगे। कि फेस का रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, आपको फेस के फीचर्स अच्छे तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फेस के फीचर्स जब तक बेस्ट होंगे तब आप कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ स्केच ऑफ फेस। एंड आईब्रो को मैं कर रही हूँ लाइटर शेड में, सो आप इस तरीके से लाइट शेड देंगे एंड देन डार्क स्लोली। एंड मैंने इसको मर्ज भी कर दिया था ब्लेंड करके बहुत ही छोटे वाले ब्रश के साथ। मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ हमें डार्क शेड चाहिए, सो मैंने पेंसिल को बहुत ही लाइट से स्टार्ट किया है, लाइटर शेड दे रही हूँ मैं सबसे फर्स्टली। एंड आहिस्ता 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 आपको ज़्यादा इस चीज़ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ आप स्लोली स्लोली इसको करते जाएँ, लाइटर शेड दें फर्स्टली, उसके बाद आप डार्क पे आएँ। इस तरह से एक तो ब्लेंडिंग में बहुत अच्छी चीज़ नज़र आएगी आपको एंड शेड्स बहुत अच्छे आएंगे। स्लोली स्लोली करते जाएँ, कोई जल्दी की बात नहीं होती है। तो जैसे आप स्लोली काम करते हैं वैसे आपका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। तो इस तरीके से सेम आप इस साइड पे भी डायगोनल शेप में आप करते जाएंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है ताकि आप शेडिंग्स पे फोकस कर सकें कि शेडिंग के लिए पेंसिल को किस तरह से चलाना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह लाइट हैंड रखना है आपको। सो इसलिए मैंने शेडिंग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा रखा है, वरना एज यू नो मेरी वीडियोस काफ़ी शॉर्ट होती हैं। सो आइस पे आते हैं। हाईलाइट की जगह थी वहाँ मैंने रेज करके उसको लुक दिया है, 3D का लुक दिया है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया।
नोज़ को काफ़ी शार्प बनाना है। सो आप लाइट शेड देंगे फर्स्टली नोज़ को, देन आपको डार्क करना है। आप देखेंगे आगे के मैंने इसको काफ़ी डार्क किया है, काफ़ी शार्प नोज़ है। कभी वीडियो में मेजरमेंट्स लेना भी बताऊंगी कि एक फोटो एक पिक्चर की मेजरमेंट कैसे लें, फीचर्स की मेजरमेंट कैसे लें, बहुत इजी है तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि वो नहीं कर सकते, आई जस्ट से क्यों कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आप एक दफ़ा कोशिश करें तो आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें, आपको प्रैक्टिस कर। स्केच रेडी कर दिया है एंड मैंने नेक के नीचे काफ़ी डार्क शेड दिया है। आप जब ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नेक से नीचे जितनी भी जगह होती है वो सारी डार्कर शेड हो तो फेस बहुत ऊपर से अच्छा लगता है। सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा and press the bell icon please and like my video and मिलेंगे किसी और नई वीडियो में and अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।